हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी भाई? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम 150 टन की मशीन पर आ गए हैं। हमारी मशीन है ये 4.5 मीटर की, ठीक है दोस्तों। 4.5 मीटर की मशीन आ गई दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम 4.5 मीटर की मशीन पर। और दोस्तों, आप सभी भाइयों को रिक्वायरमेंट आती रहती है कि हमें 56 कंट्रोलर बताए भैया, तो आज मैं एक 56 कंट्रोलर की वीडियो लेके आ गया हूँ आपके पास। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, ठीक है, जो आगे और भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज आपको बिना देरी करे लेके चलते हैं मशीन के पास, कंट्रोल के पास पहुंचते हैं। दोस्तों, हम 56 कंट्रोलर के पास आ चुके हैं। ये डेलम का कंट्रोलर होता है और हिंदुस्तान हाइड्रोलिक की मशीन है दोस्तों हमारे पास। ये बहुत पुरानी मशीन है, 12 साल पुरानी मशीन है। 12 साल से भी देखो दोस्तों, बहुत काम कर चुके हैं इस मशीन से, फिर भी आज भी बहुत अच्छी चल रही है और ये कंट्रोलर भी बहुत अच्छा है दोस्तों। जिस भाई को ये कंट्रोलर सीखना है तो वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। तो आइए हम बिना देरी करें आपको सिखाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। पहले अब हम आपको इसके मैनुअल के बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। मैनुअल के बारे में बताते हैं दोस्तों। मैनुअल दोस्तों ये होता है स्टार्टिंग का ऑप्शन। ये बटन दबाया हमने, ये बटन दबाने के बाद ये दोस्तों, ये हमारा पंच, ये नीचे डाई, ये मटेरियल, ये थिकनेस, ये बेंडिंग लेंथ, ठीक है, ये मेथड, ये करेक्शन, ये एंगल, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये Y1 2 एक्सिस, ठीक है, ये म्यूट, ये डिकम्प्रेशर, ये ऑफ फोर्स, ये एक्स एक्सिस, ये रिट्रैक्ट, ठीक है दोस्तों, और ये ओपनिंग, ये स्पीड। ये सेम होता है जैसा सभी कंट्रोलर के अंदर होता है। वैसे अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी देता हूँ कि कैसे कैसे सेट करते हैं। माना कि दोस्तों हमें ये मैनुअल में खुला है प्रोग्राम, मैनुअल में हमें दूसरा पंच लगाना है, ठीक है। ये 8 नंबर चला है, अगर हम इस पंच पे जाके, ये वाला था ना S4 का बटन होता है, ये S4 का बटन दबाते हैं, ये हमारे ये सारे पंच शो कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये सारे पंच हमारे शो हो गए हैं। हमारा पंच लगा हुआ था इसमें 8 नंबर पर। अगर हमें 1 नंबर का पंच चलाना है, 1 नंबर पे है हमारा, या 2 नंबर पे, 2 नंबर चलाना है एग्जांपल हमने, तो हम 2 नंबर एंटर दबा दिया। ये एंटर का बटन होता है दोस्तों, ये वाला एंटर का बटन, ठीक है, एंट्री से बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, और हमारी 11 नंबर पे डाई सेट है। अगर हमें दूसरी डाई सेट करनी है इसके अंदर, हमारी 11 पे सेट की, अगर हमें 5 नंबर सेट करनी है, एग्जांपल हमें 16 की डाई भी यूज़ करनी है, 16 पे हम ले जाके इसको एंटर दबा देंगे यहाँ से। ये उंगली देखो दोस्तों, मेरी उंगली यहाँ पे टच हुई, ये हमारी डाई सेट हो चुकी है 2 और 5 नंबर पर, ठीक है। आगे हम चलते हैं मटेरियल पर। मटेरियल पर दोस्तों ये हमने ऑप्शन दिया है, ये वाला बटन दबाया तो ये ऑप्शन निकाल दिया इसने। हमें लोहे की शीट मोड़नी है, एल्युमिनियम और जिंक और स्टैंडर्ड स्टील, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टील में क्या होता है, ये हम SS बेंडिंग करने के लिए होता है, और जिंक में होता है जो GI की शीट होती है, ठीक है। यहाँ पे लाके एंटर दबा देंगे हम, ये सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एल्युमिनियम करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MS के लिए हम MS मोड़ना, हमें MSP सेट कर दिया हमने। हम जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, हमने 16 mm की डाई सेट की हुई है, तो हम इसमें थिकनेस में 2 mm डालेंगे, ठीक है जी। बेंडिंग लेंथ दोस्तों हमारी मशीन की 4.5 मीटर की लेंथ होती है, 4.5 मीटर की मशीन है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो बेंडिंग हमें हमें पार्ट बेंड करना है 3 मीटर का, तो हम 3 मीटर, एग्जांपल 2500 का पार्ट हमारा है, तो हमने इसमें 2500 डाला। देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो, ये रीडिंग चेक करना है यहाँ पे, एंटर दबा दिया, एंटर दबाते सार ये 2500 हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और ये अगली साइड में मेथड आ गया, मेथड का दोस्तों, मेथड का ये ऑप्शन निकाला हुआ है, एयर बैंड, शॉर्टनिंग, फ्लैटिंग, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें क्या चलाना है, हमें एयर बैंड चलाना है। हम एयर बैंड पे हमने क्लिक किया हुआ है, एयर बैंड पे हमने चला दिया, ठीक है दोस्तों। पहले हम एंगल के बारे में बताते हैं आपको। एंगल में दोस्तों हमने 85 डिग्री डाला हुआ है, 85 डिग्री पे हमारे टूल हैं ये। तो इसके बाद हमारा, हमें अगर इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एंगल माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है।
ये करेक्शन का ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम Y1 एक्सिस पे आते हैं। ये मशीन खुद शो करती है, मशीन ये खुद शो करती है। अगली साइड में चलते हैं Y2 एक्सिस और म्यूट का भी ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों, ये मशीन खुद शो करती है, लेकिन हम मशीन की स्पीड हमें स्लो करनी है तो हम स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, मशीन की स्पीड स्लो भी कर सकते हैं और ये भी मशीन खुद शो करती है, फोर्स भी मशीन खुद शो करती है। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं हम बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, 90 भी डाल सकते हैं, 90 टन। ठीक है दोस्तों, अगले साइड में हमारा आता है स्टॉपर एक्स एक्सिस। ये सारे हमारे स्टॉपर जा सकते हैं 630 mm तक के, हमें 200 mm तक के चाहिए, हमने 200 mm का सिलेक्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, और रेट ट्रैक आ गया, ये रेट ट्रैक अगली साइड में आ गया दोस्तों। ओपनिंग जितनी अपनी चाहिए हमें, ओपनिंग हमें 50 चाहिए, हमने 50 डाला इसके अंदर, एंटर दबा दिया। ठीक है, और अगली साइड में स्पीड आती है दोस्तों हमारी 10 की, मैक्सिमम स्पीड 10 की होती है। डिकम्प्रेस स्पीड ये भी 10 ही रहने देनी है, होल टाइम 0.1। ठीक है, पैरालिसियम ये भी 0 रहने देना। तो दोस्तों मैनुअल की फुल जानकारी आपको मिल चुकी है कंट्रोलर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे भी नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, मैं आपको पूरे प्रोग्रामिंग के पूरे टूल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा इसकी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।